अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन एट होम. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ. ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर इंग्लिश वर्कबुक पेज नंबर 25. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंशन द डेट एंड डे. सबसे पहले आपने इसके ऊपर डेट और डे मेंशन करना है, ठीक है? आज हमें क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे सेंटेंस हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है ब्लैंक जो है फिलिंग, ये ब्लैंक्स जगह यहाँ पर हमने ये टू टू जो है वो वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से जो करेक्ट वर्ड है वो हमने इन जो है फिलिंग द ब्लैंक्स में पुट करना है, ठीक है, और इस जो सेंटेंस को कंप्लीट करना है. आई ड्रिंक डैश ड्रिंक वाटर फ्रूट. अब हम ड्रिंक जो है वो क्या करते हैं, ड्रिंक का मतलब होता है पीना, तो पीते हम क्या है, पानी पीते हैं. वाटर जो होता है पानी, पानी पीते हैं. फ्रूट तो नहीं हम पीते ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, वाटर. आई ड्रिंक वाटर. तो यहाँ से आपने जो है वो स्पेल कॉपी करने हैं और यहाँ पर राइट करने हैं, डब्ल्यू ए टी ई आर वाटर. आई ड्रिंक वाटर. नेक्स्ट, आई हैव 10 डैश. ओके नेक्स्ट, आई हैव 10 डैश. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, थम्स फिंगर. आप देखिए थम्स बोलते हैं जो हमारे ये, इनको बोलते हैं थम्स. तो ये हमारे कितने होते हैं, टू होते हैं, टेन तो नहीं ना होते. जो फिंगर्स होती हैं वो हमारी होती हैं 10, ठीक है. फाइव और फाइव, ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो जो फिंगर्स होती हैं वो 10 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फिंगर. आई हैव 10 फिंगर. आई हैव 10 फिंगर्स. देखिए फिंगर्स ज़्यादा है ना, तो अब हमने जैसे सिंगुलर प्लूरल किए थे तो प्लूरल के लास्ट में क्या यूज़ करते थे, एस. तो यहाँ पर एस भी आएगा, ठीक है, आर के बाद एस भी आएगा. फिंगर्स ज़्यादा है ना हमारी, तो यहाँ पर हमने जो है ये फिंगर के स्पेल यहाँ पर एफ आई एन जी ई आर एस फिंगर्स. एस जो है वो हमने यहाँ पर नहीं राइट किया हुआ था, ठीक है, आपने खुद से लगा लेने, क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल के लास्ट में एस यूज़ करते हैं, फिंगर्स. आई हैव 10 फिंगर्स. नेक्स्ट है, शी राइट्स ऑन डैश पेपर टेबल. तो किस पे जो है वो राइट कर रही है, टेबल पे तो नहीं कर रही है ना. देखिए इसके पिक्चर में क्या है, पेपर, पेपर पे राइट कर रही है. शी राइट्स ऑन पेपर. तो पेपर के स्पेल यहाँ पर लिखेंगे पी पी ए पी ई आर पेपर. शी राइट्स ऑन पेपर. नेक्स्ट, आई हिट द नेल विथ अ डैश हैमर स्टिक. हैमर बोलते हैं हथौड़ी को, स्टिक बोलते हैं जो डंडा होता है उसे बोलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए किसके साथ जो है वो हिट कर रहे हैं उसको, नेल को किसके साथ कर रहे हैं, कील को, हैमर के साथ. तो हमने यहाँ पे जो है वो हैमर के स्पेल लिखने हैं, एच हथौड़ी से, एच ए डबल एम ई आर हैमर. नेक्स्ट, द डैश ड्राइव्स अ कार. ड्राइवर या बेकर. ओके, ड्राइवर बेकर. ड्राइवर होता है जो गाड़ी चलाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं, और बेकर पकाने वाले को कहते हैं, ठीक है. द डैश ड्राइव द कार. कौन सी कर रहा है ड्राइव, जो कार को ड्राइव कौन कर रहा है, ड्राइवर. ड्राइवर जो है वो कार को ड्राइव कर रहा है. तो यहाँ पे आएगा ड्राइवर, डी आर आई वी ई आर ड्राइवर. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपने जो है वो अपना पेज जो है वो कंप्लीट करना है. ओपन योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 26. हाँ जी, पेज नंबर 26. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंशन द डेट एंड डे. इसके ऊपर आपने सबसे पहले डेट और डे मेंशन करना है, ठीक है. यूज ऑफ इज, एम और आर. यहाँ पे हमने यूज़ करने हैं इज, एम और आर. आप देखिए इस कहाँ पे यूज़ होते हैं, सिंगुलर के साथ, ठीक है. ही हमने देखिए यूज़ किया था, ही और शी. ही बोलते हैं बॉय को, बॉय के लिए यूज़ होता है, और जो शी है वो गर्ल के लिए यूज़ होता है. तो ही जो, जहाँ पे ही और शी होगा उसके साथ हम इज़ यूज़ करेंगे. और एम, एम हम किसके साथ यूज़ करेंगे, आई के साथ. आई जो है उसके साथ जो है वो एम ही यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है आर. आर हम किसके साथ यूज़ करेंगे, जो प्लूरल होगा, ठीक है, जो जमा होगी उसके साथ हम आर यूज़ करेंगे, ठीक है.
ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेंटेंस क्या है? आई डैश अ बॉय, आई डैश अ बॉय, आई आई के साथ मैंने अभी आपको क्या बताया, क्या यूज करते हैं? एम, तो यहाँ पे क्या आएगा? एम, आई एम अ बॉय, तो यहाँ पे आप एम राइट करेंगे, ए एम एम, आई एम अ बॉय. नेक्स्ट है ही डैश सैड, ही डैश सैड. अब देखिए ही के साथ क्या यूज करना था, ही के साथ हम यूज करते हैं इज, शी के साथ, ही के साथ हम इज यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज. अब देखिए यहाँ पे ही है ना, तो ही के साथ आएगा इज, ही इज सैड, यहाँ पे आएगा इज, आई एस इज, ही इज सैड. नेक्स्ट वी डैश टू ब्रदर्स, वी डैश टू ब्रदर्स. अब देखिए ब्रदर्स जो है वो देखिए ये ज़्यादा है ना, सिंगुलर प्लूरल है ना ये, इसके लास्ट में एस यूज़ हो रहा है, तो जहाँ पे प्लूरल होगा वहाँ पर हम आर यूज़ करेंगे, तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? आर, वी आर टू ब्रदर्स, ए आर ई, वी आर टू ब्रदर्स. नेक्स्ट ही डैश पुलिसमैन, ही डैश पुलिसमैन. अब ही है तो ही के साथ क्या यूज़ करना था? इज, ही इज पुलिसमैन. नेक्स्ट वी डैश फ्रेंड्स, फ्रेंड्स. आप देखिए फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आर यूज करना है, वी आर फ्रेंड्स. नेक्स्ट है आई डैश आर स्टूडेंट, आई. अब आई के साथ हमने क्या यूज करना था? एम. आई के साथ हमेशा एम ही यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम, आई एम अ स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से अपने अपने पेज को कंप्लीट करना है. आज के लिए इतने, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.